हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 7.3 क्लास 6 फ्रैक्शंस। इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू वर्क विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये आपने पहले भी कर रखी हैं, वीडियो भी अपलोड की हुई है आपको, फिफ्थ में आपने करा हुआ है। फिर भी एक बार रिमाइंड कराने के लिए, क्या होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? दोज शो डिफरेंट इन नंबर बट बेसिकली रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन। लाइक टू में से वन शेडेड, फोर में से टू शेडेड, सिक्स में से थ्री शेडेड, एट में से फोर शेडेड। बट जब हम कटिंग कर रहे हैं, दे ऑल आर शोइंग 1/2। अदरवाइज यू कैन सी इन सर्कल्स ऑल्सो, सारे सर्कल हाफ शेडेड हैं। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो देखने में सेम नहीं होती बट इन देयर लोएस्ट फॉर्म दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द करेक्ट नंबर। तो बेटे कोई भी मिसिंग नंबर आपने ढूंढना है, कभी भी मिसिंग नंबर ढूंढना है, यू जस्ट गो थ्रू वन मेथड ओनली। आपने आई होप पहले ये करा होगा, बट लीव दैट ऑल्सो कि बिगर निकल रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉलर निकल रहा है। ये मेरी ओल्ड बुक है, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है ये, बट नाउ इट्स वेरी सिंपल मेथड, एक ही मेथड है, सब में फॉलो होगा आपके। सी आई हैव डन दैट। पहला क्वेश्चन लिया है 2/7 8/बॉक्स। तो क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई। बट हमने क्या करना है, अब बॉक्स है, खाली नंबर है, उससे तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा। जो गिवन डिजिट है क्रॉस में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट स्टेप में। जैसे मैंने स्टेप वन में 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर अपने पास नहीं है तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकती मैं। जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर गिवन है क्रॉस में, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया, 56 आया। दूसरे स्टेप में जो आंसर आया है, ये जो सिंगल नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 सिंगल नंबर है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर, बॉक्स में ये आएगा, डिनोमिनेटर ये है। तो आपने आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में बॉक्स डाल के उसमें फिल करके ही लिखना है। ये ध्यान रखना, जब भी मिसिंग नंबर आपने निकालने हैं, नंबर निकालने के बाद उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बॉक्स डाल के ज़रूर आंसर में लिखोगे। अब ये था एक डिनोमिनेटर का, ऐसे ही मैंने एक न्यूमरेटर का क्वेश्चन भी किया। और यहाँ वहाँ पे नंबर बढ़ रहा था, 2 से 8 पे जा रहे थे, विजन प्रॉब्लम आ रही है ना, सी 2 से 8 पे जा रहे थे, यहाँ पे देखो नंबर कम हो रहा है। मैंने किया ई पार्ट, नंबर कम हो रहा है, 24 से 4 तक आ रहे हैं। वहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सर्च किया था, यहाँ पे न्यूमरेटर मिसिंग है। स्टेप हम वही लेंगे, देखो 18/24 box/4 जो गिवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये वाला पेयर गिवन है, ये वाला, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 72। सेकेंड स्टेप में 72 जो आंसर आया, उसको सिंगल नंबर यहाँ पे 24 है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, आई विल गेट 3। तो बॉक्स में डाल के लिख दिया, मिसिंग नंबर इज 3। आई होप इट इज़ क्लियर। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों सेम है, बस लिखने का मेथड डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। नंबर 4 जो है, इसमें उसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो जिसका डिनोमिनेटर ये है या न्यूमरेटर ये है, या डिनोमिनेटर ये है या न्यूमरेटर ये है। हम एक न्यूमरेटर वाला करेंगे, एक डिनोमिनेटर वाला करेंगे, ठीक है। आई स्टार्ट विद 3/5 एंड डिनोमिनेटर 20 ए पार्ट एंड डी पार्ट। मैं ये दो क्वेश्चन कराने लगा। 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है दोनों बारी, तो आई हैव टेकन 3/5। ये देखो डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर 20 मैंने फिल कर लिया, न्यूमरेटर मिसिंग है, वहाँ पे बॉक्स डाल दिया। अब फिर से वही, जो गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, सिंगल नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 12। तो मिसिंग नंबर इज 12। ऐसे डी पार्ट में जो है, न्यूमरेटर 27 गिवन है, डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो डिनोमिनेटर पे मैंने बॉक्स डाल दिया, बनाना 3/5 का ही इक्विवेलेंट है, न्यूमरेटर 27 था वो मैंने लिख लिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स ये हैं जो गिवन है अपने को, दोनों को मल्टीप्लाई किया इज 135। फिर मैंने सिंगल नंबर 3 से
डिवाइड कर दिया सेकंड स्टेप में, ये स्टेप टू है, ठीक है, डिवाइड किया 45, तो सी मिसिंग नंबर इज दिस। यू कैन चेक ऑल्सो, सी 3 4s are 12, 4 5s are 20, ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 होके नेक्स्ट नंबर निकल रहा है, नीचे भी। बस इन क्वेश्चन, इस मेथड का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है जिसको आप इमेजिन नहीं कर पाते तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी आएगा, आगे बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैंने एक पार्ट किया है, दो तो थे तो एक मैंने कर दिया। नंबर ये है 36 by 48, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ढूंढना है। 36 by 48 दिस इज न्यूमरेटर, वी हैव टू फाइंड द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो नंबर बड़ा हो गया तो 432 मल्टीप्लाई करके आ गया, डिवाइड बाय मैंने 36 कर दिया, यू विल गेट 12। डिवीजन ये देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन साइड पे कर रखी है, यू कैन सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आंसर इज 12, बॉक्स में हमने डाल दिया, दैट्स इट। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमने वी हैव टू सर्च इफ़ द फ्रैक्शंस आर इक्विलेंट और नॉट, सिंपली वी हैव टू फाइंड कि फ्रैक्शंस इक्विलेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली टेक दोज फ्रैक्शंस, ए पार्ट लिया है मैंने, दोनों फ्रैक्शंस लिख ली, सेंटर में लाइन लगा लेनी है। इस यहाँ पे करना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई है, पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, नहीं तो आंसर उल्टा हो जाएगा। एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, नहीं तो आंसर रिवर्स आएगा। क्या वो है कि जब आपने लाइन लगा ली, सबसे पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नीचे लिखोगे, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आना चाहिए। जैसे 5 by 9 के नीचे मैंने 5 लिया, 30 by 54 के नीचे मैंने 30 लिया। अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 54 से, और ऐसे ही 30 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 9 से। मल्टीप्लाई किया, बोथ आर इक्वल, इक्वल आ गई तो यस दे आर इक्विलेंट। इसका लॉजिक मैं अगले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक ही मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के तरीके बता रही हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपने न्यूमरेटर पहले लेना है, दैट्स इट। इक्वल आ गया तो यस दे आर इक्विलेंट। ऐसे ही मैंने इसका एक और क्वेश्चन लिया है, सी पार्ट, 7 by 13, 5 by 11। देखो मैंने फिर से पहले न्यूमरेटर उतारे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, इसको 7 का न्यूमरेटर था तो 11 से, 5 को 13 से, 77 होता है, 13 5 60 होता है, दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, सो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विलेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अभी देखो बेटा नेक्स्ट इज रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, ये हमने कटिंग पहले भी की हुई है, फिर भी आपको एक दो क्वेश्चंस इसके करवाती हूँ। आपने ये ध्यान देना है, जब भी आपने कैंसिलेशन करनी है, आपने सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिलेशन करनी है। फ्रैक्शंस में हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, लाइक 48 by 60 लिया। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, टेबल्स आते हैं आपके लिए बहुत इजी है, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। सीधी सी बात है, दोनों इवन नंबर हैं, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। नंबर लिख के वहीं पे कट नहीं करना, एक बार उसको दोबारा लिख लो फिर कटिंग करनी है। 2 के टेबल पे किया, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 0s are 0 या 2 0s are 0। अब देखो वैसे तो आपको ऑरली पता होना चाहिए 6 4s are 24, 6 5s are 30, नहीं पता चल रहा तो आप दो दो के टेबल पे कट करते जाओ, 3 पे कट करो नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली 4 पे 6 पे भी कट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आपको यहीं से पता चल जाना था कि 12 4s are 48, 12 5s are 60, आंसर इज 4 by 5। जब कंसेक्टिव नंबर आ जाते हैं, कंसेक्टिव होते हैं जो काउंटिंग में एक के बाद नेक्स्ट नंबर आता है, लाइक 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 और 7, 7 और 8, ये सारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं। जब भी कंसेक्टिव नंबर्स आ जाते हैं तो उसके आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती, प्राइम नंबर आ जाए तो भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती, तो ये हम वहीं स्टॉप कर देते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन, 12 by 52, ये भी वैसे इवन है, कुछ और देखे। अब भी देखो 150 by 60,
ऐसे क्वेश्चंस में जब लास्ट वाली जीरोस होती हैं बच्चा, वो हम कट कर सकते हैं, वो हम ऐसे ही कट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने 10 के टेबल पर डिवाइड किया है। जिसको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं उसको पता होगा, याद करो, वो भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने। अब देखो 6 और 15 बचा, ये 3 के टेबल पे जाता है। 3 टू ज़ा 6, 3 फाइव ज़ा 15, तो 5/2 इज द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे मैच करना है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। दिस इज योर प्रैक्टिस, यू कैन डू दैट वेरी वेल। बच्चा क्वेश्चन नंबर 8, एक ही स्टेटमेंट सम है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ध्यान से सुनना है, इजी बहुत है। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीनू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप, मतलब उसने यूज कर ली 10 पेंसिल्स। उसके पास 20 थी, 10 उसने यूज कर ली। शीलू के पास 50 थी, शी यूज्ड अप 25। जमाल के पास 80 थी, ही यूज्ड अप 40। तो उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज्ड अप, सबने कितनी कितनी फ्रैक्शन पेंसिल्स की यूज कर ली। तो इसके लिए रमेश की टोटल पेंसिल्स और रमेश की यूज्ड पेंसिल्स के का फ्रैक्शन बनेगा, शीलू की टोटल और यूज्ड का फ्रैक्शन बनेगा, और जमाल की यूज्ड और टोटल का फ्रैक्शन बनेगा। सी आई हैव रिटन ऑलरेडी, रमेश हैड पेंसिल्स 20, यूज्ड 10। नीचे टोटल नंबर होता है, ऊपर यूज्ड, कटिंग कर दी 1/2। शीलू के पास 50 थी, उसने 25 यूज की, तो ऊपर 25 यूज, नीचे टोटल नंबर डिनोमिनेटर का होता है, तो 25/50 कटिंग की 1/2। जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज की, टोटल उसके पास 80 थी, नीचे टोटल ऊपर 40, कटिंग कर दी 1/2। नाउ यू हैव सीन सब ने इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यूज की हैं। ये उसने पूछा था अगला क्वेश्चन, चेक इफ ईच हैज़ यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स। तो यस, दे हैव यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।